हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग। ये अपना बलेरो है, 13 मॉडल गाड़ी है। इसका स्पीडोमीटर है, जो वायर है चेंज करना है। स्पीडोमीटर वाला मीटर काम नहीं कर रहा था, अभी इसका वायर नया डालेंगे। इसका जो मीटर बॉक्स है 4 पेच रहता है, खोल लिया हम लोगों ने, पहले नया वायर निकाल लिया। नीचे से खोलेंगे पुराना वायर, इसका वायर खोलते हैं। स्पीडोमीटर वायर बिल्कुल सिंपल है, पुराने मॉडल का गाड़ी है, 13 मॉडल है। ये रहा इसका, यहाँ से खोलेंगे। नीचे से वायर खोल लिए गए, ये चूड़ी रह गया इसमें, ये खुल गया नीचे से, अभी ऊपर से खोलेंगे डैशबोर्ड से। ये इसका ऊपर लॉक वाला रहता है, ऐसे ही निकल जाता है ये मीटर से। हाँ जी भाई, अभी इसका जो लॉक था वो निकाल लिया, वायर निकाल दिया लॉक खोल के, ये लगा रहता है इसमें, इसको खींच के निकाल लेना है बाहर। निकाल लिया वहाँ से, अभी नया वायर लगाते हैं। ये अपना नया वाला है, पुराना निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल है। अभी पहले इसको नीचे से निकाल कर लेके आएंगे, यहाँ ये होल रहेगा पैर के नीचे, पैडल वाली जगह पे। वहाँ से तार आ गए गई, यहाँ से इसको इसके अंदर से कर लेंगे डैशबोर्ड से। ये यहाँ से लेनी है अंदर से, जब बीच में से ले आते हैं बेंड नहीं पड़ना चाहिए कहीं पे, सीधा होना चाहिए बिल्कुल तार। अभी इसको यहाँ से पुराना तार निकाले थे उसको लगा देते हैं, बिठा के उसको, पहले वायर बिठा देते हैं, इसको इसमें बिठा देना है। ये बैठ गया, अभी इसका लगा देते हैं लॉक, ये लग गया। अभी लगाएंगे नीचे से, यहाँ से खोले थे तो जैक लगे। इसको जब चेक करना होता है बिल्कुल शांत तरीका है, नीचे से लगा रहने देता है। जब पुराना वायर चेक करना हो, प्रॉब्लम हो, तो यहीं से निकाल के चेक कर लेना है। अगर वायर घूमेगा स्टार्ट करने से, चक्का जैक लगा लेना है एक चक्के को पीछे, अगर घूमेगा तो ये सही रहेगा, अगर नहीं घूमेगा वायर तो। ये अपना नीचे से आ गया वायर, यहाँ से निकाल लेंगे इधर से, चेसी के ऊपर से। इसको वैसे ही करना है गाइस जैसे खोले थे, जो ये साइड रहेगी चौरस वाला रहेगा, चौरस वाला मुँह इसमें बीच बैठाना है। ये बैठ गया बीच, इसको अंदर घुस गया, अभी इसका नट लगा देंगे हम लोग। ये लग गया नट, जैसे खोले थे वैसे ही लगा देना है। ये इसका वायर लग गया गाइस नीचे से, टाइट कर दिया इसको प्लास से, अभी ऊपर से लगाते हैं डैशबोर्ड। तो जैक लाके, हाँ ला जैक लाके। ये देखो भाई अभी काम कर रहा है, ऐसे हो जा रहे हैं।